आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल कैलकुलस समाकलन। हम आज इसमें डेफिनेशन और इंटीग्रेशन बाय सिंप्लीफिकेशन साधारण फार्मूलों से जो समाकलन है वो पढ़ेंगे और समाकलन की परिभाषा पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अवकलन में समाकलन परस्पर प्रतिलोम है। हम अवकलन पहले पढ़ चुके हैं। अवकलन में समाकलन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। मान लो कोई कैपिटल एफ ऑफ एक्स एक फलन है और उसका अवकलन है स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो स्मॉल एफ ऑफ एक्स का समाकलन होगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स। आप इस एक नंबर और दो नंबर को देख सकते हो, ये बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स है। जिसका अवकलन ये फलन है, इस फलन का समाकलन, ये हमने जो अवकलन ज्ञात किया था वो होगा, ठीक है। एक दूसरे बिल्कुल विपरीत है। ये जो संकेत है, ये संकेत समाकलन के लिए काम में लेते हैं। किसके लिए काम में लेते हैं? समाकलन के लिए। और जो ये dx है, dx, इसका मतलब हमें किसके सापेक्ष समाकलन करना है? x के सापेक्ष समाकलन करना है। मान लो यहाँ t है, तो इसका मतलब t के सापेक्ष समाकलन करना है। ये dx का अर्थ यह होता है कि x के सापेक्ष समाकलन करना है। ये जो fx dx, इसको समाकल कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकल। और समाकल ज्ञात करने की प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। समाकल ज्ञात करने की प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। तो ठीक है, हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में दो आते हैं स्टूडेंट। एक आता है निश्चित समाकल और दूसरा होता है अनिश्चित समाकल, ठीक है। निश्चित समाकल क्या होता है? निश्चित समाकल होता है, हम इसकी लिमिट्स लगा देते हैं अगर समाकलन की। जैसे ये समाकलन करना है ए से बी तक, तो ये समाकलन निश्चित हो जाता है, ठीक है। और अगर हम समाकलन की लिमिट्स नहीं लगाते हैं तो ये अनिश्चित समाकल होता है। तो आप समझ चुके हो निश्चित समाकल क्या होता है, अगर हम समाकल की लिमिट्स लगा देते हैं। और अनिश्चित समाकल क्या होता है? जब हम लिमिट्स नहीं लगाते हैं। ये जो अनिश्चित समाकल है, ये अवकलन के विपरीत होता है, विपरीत प्रकार। कौन होता है? अनिश्चित समाकल। तो हम सबसे पहले अनिश्चित समाकल ये सीखेंगे, सबसे पहले अनिश्चित समाकल, ठीक है। देखो, हम जब कभी अनिश्चित समाकलन करते हैं, अनिश्चित समाकलन, तो हम एक कॉन्स्टेंट सी लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं वो मैं बता रहा हूं। माना कैपिटल एफ ऑफ एक्स का अवकलन है स्मॉल एफ ऑफ एक्स, इसका अवकलन है स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अब इसको देखो, एफ एक्स प्लस सी डी बाई डी एक्स, इन दोनों में पॉजिटिव साइन है और आपको पता है डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव साइन पर बढ़ जाता है। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का अवकलन अलग कर लेता हूँ, सी का अवकलन अलग कर लेता हूँ। बीच में चाहिए प्लस है, तो ये प्लस। अब आप ये पढ़ चुके हो एक से, क्या पढ़ चुके हो एक से, कैपिटल एफ ऑफ एक्स का अवकलन है स्मॉल एफ ऑफ एक्स। तो इसका अवकलन क्या होगा? स्मॉल एफ ऑफ एक्स, और ये है कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होता है? जीरो। तो ये हो गया जीरो। तो इसका अवकलन क्या हो गया? स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अतः डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब आप दो नंबर और तीन नंबर देखो, जब इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन क्या होगा? ये वाला, वो मैंने यहां लिख दिया, इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये होगा एफ एक्स प्लस सी। ये समाकलन का अचरांक कहलाता है, या कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं इसको। सी स्वयं अचर है, इसको कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। इसलिए कभी भी अनिश्चित समाकल करो जब भी, तो एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना जरूरी है। जैसे मैं एक उदाहरण बता देता हूं आपको। मान लो आपको समाकलन करना है साइन एक्स का। अब साइन एक्स का हम आगे फार्मूला पढ़ेंगे। साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कोस एक्स, हो गया समाकलन। और साथ में क्या लगाऊंगा मैं? सी, समाकलन का अचरांक, ठीक है। तो समाकलन का अचरांक किसी लगाते हैं पता चल गया होगा आपको। अब है समाकलन के दो परिमेय, किसी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट हो तो हम कांस्टेंट को समाकलन के चिन्ह से बाहर ले लेते हैं। क्या करते हैं? अगर किसी फंक्शन, ये जैसे फंक्शन है और इसके साथ ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को समाकलन के चिन्ह से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ये फोर साइन एक्स डी एक्स है, ये साइन एक्स फंक्शन है, इसके साथ फोर क्या है? कांस्टेंट। मैंने फोर कांस्टेंट को समाकलन के चिन्ह से बाहर निकाल लिया, ठीक है। पहली परिमेय होगी, समझ में आ गया?
कॉन्स्टेंट को हमेशा बाहर में ले लेते हैं। ये देख लो, दो फंक्शन है इसके जिस बीच में प्लस माइनस है, तो समाकलन का चिन्ह दोनों पर बंटित हो जाता है, दोनों पर हम समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं, बीच में जो साइन होता है वो लगा देते हैं। f1x dx, इसका समाकलन अलग और इसका समाकलन अलग, दोनों में समाकलन अलग अलग कर लिया और बीच में जो साइन है वो लगा दिया। जैसे उदाहरण, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का समाकलन करना है आपको, तो मैंने साइन एक्स का समाकलन अलग कर लिया, कोस एक्स का समाकलन अलग कर लिया, बीच में चिन्ह कौन सा है, प्लस का, तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। जैसे आपको करना है x^4 - e^x dx, इसका समाकलन करना है, तो मैंने x^4 dx का अलग कर लिया और e^x का समाकलन अलग कर दिया, बीच में चिन्ह माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद में हम मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि अवकलन और अनिश्चित समाकलन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत प्रकरण है। ठीक है, तो हम अवकलन के सूत्र आपको मालूम है, उनसे समाकलन के सूत्र निकालेंगे। देखो, आपको मालूम है कॉन्स्टेंट का अवकलन क्या होता है, जीरो, तो जीरो का समाकलन क्या होगा, केवल कॉन्स्टेंट, जीरो का समाकलन क्या होगा, केवल कॉन्स्टेंट। ठीक है, आपको मालूम है x^n का अवकलन क्या होता है, एन x^n-1, तो x^n का समाकलन इसका रिवर्स, x^n+1/(n+1). केवल अगर यहाँ x^0 हो तो यहाँ 0 होगा, x^1 और नीचे 1 यानी x। केवल dx का समाकलन क्या होता है, x+c, dx का समाकलन क्या होता है, x+c, यानी d से ये इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है, d से इंटीग्रेशन साइन, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो केवल 1 का समाकलन क्या होता है, x, 1 का समाकलन क्या होता है, x, इस फार्मूले से ये देख सकते हो आप। ठीक है, x^n का समाकलन क्या होता है, x^n+1, n+1, n≠-1, जब n = -1 हो, या n = -1, यानी 1/x, ध्यान रखना 1/x का समाकलन होता है log x, 1/x के लिए यही फार्मूला काम में लूंगा, ये वाला नहीं, 1/x के लिए समाकलन इसी फार्मूले से निकालना है। ठीक है, log x का अवकलन 1/x है, e^x का अवकलन e^x, तो e^x का समाकलन भी e^x, a^x का अवकलन क्या है, a^x log a, तो a^x का समाकलन क्या होगा, ये log a इधर चला जाएगा, a^x/log a, यहाँ गुणा में इधर आके भाग में, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, तो कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स, कोस एक्स का अवकलन -sin x, तो साइन एक्स का समाकलन -cos x, टेन एक्स का अवकलन sec² x, तो sec² का समाकलन tan x, कोट एक्स का अवकलन -cos sec² x, तो cos sec² का समाकलन -cot x, देख लो रिवर्स है बिल्कुल, sec x का अवकलन sec x tan x, तो sec x tan x का समाकलन sec x, cos x का अवकलन क्या है, -cos x से cot x, तो cos x cot x का समाकलन होगा -cos x x+c। हम तीन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं, चार बाकी यहाँ पढ़ लेंगे, कोस एक्स साइन एक्स पढ़ चुके हैं, अब टेन एक्स का समाकलन होता है लोग sec x+c, cot x का होता है लोग sin x+c, sec x का होता है लोग sec x+tan x, और cos x dx का होता है लोग cos x x-cot x। स्टूडेंट्स, ये सारे फार्मूले आप एक पेपर में रखे समाकलन के, और इनको बार बार याद कर लेना। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बार बार समाकलन करना है, आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, आपके बहुत आगे बहुत काम आएंगे ये फार्मूलाज। ठीक है, एक बार पॉज कर देता हूँ मैं। ठीक है, फार्मूला देख लीजिए। ठीक, हम आगे अब क्वेश्चंस करते हैं, समाकलन के क्वेश्चन मैं यह फार्मूले या साथ में रखूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन सा फार्मूला काम में ले रहा हूं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्या है, x^6 का अपन को समाकलन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो मैंने साइन के रूप में लिख दिया x^6 dx। अब देखो फार्मूला क्या है, हम जानते हैं x^n का समाकलन क्या होता है, x^n+1/(n+1)+c। ठीक है, यह n की वैल्यू क्या है, 6, तो इसका समाकलन क्या होगा, x^6+1/(6+1)+c
सी इक्वल टू एक्स की पावर 6 + 1 = 7 और अपॉन 7 + 6। आप इसको गौर से देख लीजिए, ऊपर पावर एक इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जो पावर ऊपर लिखी है उसी को नीचे लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, x की पावर 6 का समाकलन इस फार्मूले से। फिर दूसरा क्वेश्चन है 1/√x dx, ये आपको निकालना है। तो x की पावर यहां कितनी होगी, -1/2 dx हो गया, x की पावर माइनस है, n की वैल्यू क्या होगी यहां, -1/2। तो ये एक्स की पावर -1/2 + 1 / -1/2 + 1 + c। सुन आ गया, एक्स की पावर n + 1/n + 1। तो ये हो गया एक्स की पावर 1/2 / 1/2 + c। मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ सबका इंटीग्रेशन साइन हट जाता है लास्ट में, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो 2√x, एक्स की पावर 1/2 का मतलब 1√x, 2√x + c, ये आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3। हमें इंटीग्रेशन करना है x√1/(x^4) dx इसका। स्टूडेंट्स, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जब प्लस या माइनस फॉर्म में फंक्शन हो तो उसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान रहता है। मैं प्लस और माइनस के लिए फार्मूला बता चुका हूँ कि बंटित हो जाता है इंटीग्रेशन का साइन। तो मैं इसको प्लस या माइनस फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ इस तरीके से, इक्वल टू x√2/(x^4) + 1/(x^4) dx इक्वल टू 1/(x^2) dx + कैंसिल हो गया, 2 की 4 1/(x^2) बचा यहाँ, और यहाँ 1/(x^4) dx। इंटीग्रेशन का साइन दोनों जगह मैंने बांट दिया, बीच में प्लस का साइन, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। यह x की पावर कितनी है, -2। तो ये हो गया आंसर, x√-2/(-2) + 1 यहाँ x की पावर कितनी है, -4। तो x√-4 + 1 - 4 + 1, और ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। तो ये हो गया x√-1/(-1) + x√-3/(-3) + c आंसर। ठीक है, यानी पावर एक बढ़ा देते हैं जब भी ये एलजेब्रिक फंक्शन हो, तो पावर एक बढ़ा देते हैं और जो ऊपर पावर बढ़ाई है वही नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ -2 होता, पावर कितनी थी, -2, तो मैंने एक बढ़ा दी, -1 हो गई, और जो पावर लिखी है वही मैंने नीचे लिख दिया। यहाँ कितनी पावर थी, -4, तो मैंने एक बढ़ा दी, तो ये -3, और ये -3 ही डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक है, देख लीजिए आप इसको आराम से। ठीक, आप देख लीजिए, हम करते हैं हमें करना है ax√+bx + c / x dx। ये x जो डिनोमिनेटर में, मैं सभी के नीचे लिख रहा हूँ आंसर सॉल्यूशन, ax√+bx / x + c / x dx। तो बराबर हो गया, a कैंसिल, x कैंसिल + b + c / x dx। अब इंटीग्रेशन का साइन को बांट देते हैं। ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन मैंने बांट दिया। ए कांस्टेंट है, और मैं थ्योरम फर्स्ट पढ़ा चुका हूँ, कांस्टेंट क्या आ जाता है, बार, तो ये कांस्टेंट बार, कांस्टेंट को मैंने बांट दिया। अब ए की पावर x, तो x की पावर n+1, ये n+1/(n+1) + b, 1 का इंटीग्रेशन x और 1/(x) का log x प्लस ए c। तो ये हो गया ax√2/bx + c log x + c। सुन आ गया होगा, ठीक है,
मैंने x सभी के नीचे लिखकर इसको बाद में बंटित कर दिया है और फिर फार्मूला यूज में ले लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सॉल्यूशन, साइन स्क्वायर एक्स है तो मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। ठीक है, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको कैंसिल करने के लिए ऐसा किया मैंने। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, ए माइनस बी हो गया ए प्लस ए बी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फार्मूला मैंने यूज में लिया। अब 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल रहेगा क्या, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब प्लस या माइनस का साइन इंटीग्रेशन साइन मल्टी तो जाता है, तो 1 का मैंने समाकलन अलग कर दिया और कॉस एक्स का मैंने समाकलन अलग कर दिया। ठीक है, 1 का समाकलन क्या होगा, एक्स, और कॉस एक्स का साइन एक्स, तो एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर। ठीक है, देखो आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 मालूम है, और साइन टू एक्स क्या होता है, 2 साइन एक्स है कॉस एक्स। मैं ये दो फार्मूले यहां काम में लूंगा। ठीक है, तो 1 की जगह मैं लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन टू एक्स किसके में क्या लिखूंगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये क्या क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने काम लिया। ठीक है, अब इसका से अंडर रूट कैंसिल बचेगा क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब प्लस या माइनस पर इंटीग्रेशन का साइन बंटित हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लस कॉस एक्स डी एक्स। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। आप देख लीजिए इसको आराम से। अगला सॉल्यूशन है आपको मालूम है 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x। ये आप सारे फार्मूले पढ़ चुके हो उसमें ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो मैं इन फार्मूलों को यूज में ले रहा हूँ। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x, और ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर x 1 प्लस कॉस 2x की वैल्यू। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, तो ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। स्टूडेंट्स, आप टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फार्मूला नहीं जानते हो, तो मैं इसको इस तरीके से चेंज कर देता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। ये फार्मूला मैंने काम में ले लिया, तो टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब सेक स्क्वायर एक्स का आप फार्मूला पढ़ चुके हो, ये रहा सेक स्क्वायर एक्स का फार्मूला, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या है, टेन एक्स प्लस सी। तो मैं ये काम में ले रहा हूं, अभी इसको सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, बीच में माइनस का साइन और 1 डी एक्स,
उसका x का समाकलन क्या होता है tan x और 1 का समाकलन x प्लस c, ठीक है। तो देखो इसमें दो बार चेंज किया है, 1 माइनस cos 2x को लिख दिया 2 sin स्क्वायर x, 1 प्लस cos 2x को 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल, sin अपॉन x, cos क्या होता है 10, तो ये हो गया tan स्क्वायर x। फिर tan स्क्वायर x का समाकलन आपको डायरेक्ट मालूम नहीं है तो मैंने इसको लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1, ये sec स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन साइन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया माइनस वन एक्स, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स और वन का समाकलन एक्स प्लस सी, ठीक है। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक बार ही लगाते हैं, चाहे ये कितनी भी बार डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये है 1 प्लस से साइन एक्स, ठीक है। मैं क्या करूंगा इसको थोड़ा सा ये आपके लिए डिफिकल्ट रहेगा, याद कर लेना इस ऐसे क्वेश्चन को, 1 प्लस साइन एक्स है तो मैं इसका रेशनलाइजेशन करूंगा, परिमेयकरण करूंगा, ठीक है। कभी भी डिनोमिनेटर को हटाने के लिए जो विधि काम लेते हैं वो रेशनलाइजेशन है, हमें हर हटाना हो तो हम हमेशा रेशनलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये काम ले लिया मैंने हर में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये मैंने काम हो गया, ये हो गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस ये हो गया साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन बल्टिट कर दिया मैंने दोनों को, ठीक है। 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन एक्स ये हो गया टेन एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है टेन एक्स और सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। केवल रेशनलाइजेशन करना है और उसके बाद में फार्मूला यूज में लेना है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स होता है और टेन एक्स सेक एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स, ये देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद में अगला सॉल्यूशन कोस टू एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, चूंकि कोस टू एक्स किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर। अब इंटीग्रेशन का साइन दोनों पर बांट दो, तो कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स, साइन एक्स किसका रिवर्स है कोसेक एक्स का माइनस, और ये क्या होगा कोस एक्स का उल्टा क्या है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स कोस स्क्वायर एक्स का होगा सेक स्क्वायर एक्स, इसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं माइनस कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। कोसेक स्क्वायर का एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कोट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है टेन एक्स, ये बीच में माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह। अब नेक्स्ट लोग बे इसमें देखो आप एक्स बेस पर ले रहे हैं सारी चीजें,
जैसे log e बेस e क्या होता है 1, इसी तरह log x बाय x x की वैल्यू भी होगी 1, तो इसका मतलब ये है 1 का इंटीग्रेशन है, समझ में आ गया, x बेस x 1 का इंटीग्रेशन है, और 1 का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x प्लस c, तो इसका आंसर हो गया x प्लस c, ठीक है। तो हम आज जो सिंपल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स है वो पढ़ चुके हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बहुत यूज में आ रहे हैं, ठीक है। हम समाकलन के डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो हमारा एक टॉपिक यहाँ, सब टॉपिक एक यहाँ कंप्लीट होता है, नेक्स्ट सब टॉपिक हम कल करेंगे।